नमस्कार, मैं गरिमा जी चिली रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड केक की रेसिपी। आज की रेसिपी आप सभी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए अपनी आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए 1/4 कप दही, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाकर मिला लेंगे। ऑयल में ये ध्यान दीजिएगा कि ऑयल का अपना कोई फ्लेवर ना हो। ये देखिए मिश्रण तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पर विकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर लिया है जो कि वनीला फ्लेवर का है। इसके बाद 1/4 चम्मच मैंने यहाँ लिया है बेकिंग सोडा और 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया है बेकिंग पाउडर। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छी तरह घोलकर इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है, तो 1/2 कप दूध मैंने डाला है इस बैटर को तैयार करने के लिए। बैटर को अच्छी तरह से हमें घोलकर मिलाना है और बैटर को घोलते समय इसे सिर्फ एक डायरेक्शन में ही घुमाना है। तो इस तरह से हम इसे घोलते हुए इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और बैटर तैयार हो जाने के बाद बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि दूध कम है तो आप 1-2 चम्मच दूध और भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है केक टिन, इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सूखा मैदा और उसे भी इस तरह से घुमाते हुए हर तरफ फैला लेंगे। आप चाहें तो इस पर बेकिंग पेपर भी लगा सकती हैं, पर जिनके पास बेकिंग पेपर ना हो वो इस तरह से अपने टिन को तैयार कर सकते हैं केक बेक करने के लिए। इसके बाद हम तैयार बैटर को इस टिन में भर लेंगे। हमें इसे पूरा नहीं भरना है, इसे आधा या 2/3 तिहाई ही भरना है, क्योंकि केक बेक होने के साथ साथ फूलता भी है। इसके बाद 2 से 3 बार इस तरह से कर लेंगे जिससे इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और अब इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। केक हमारा बेक होकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए केक ठंडा हो चुका है। चलिए इसे हम टिन से बाहर निकाल लेते हैं। पहले हम चाकू से इसके साइड को इस तरह से अलग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे पलटकर इस टिन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट कस्टर्ड केक बनकर हो चुका है तैयार। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।